हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेंड्स एकेडमी। चलो बच्चा, अब चालू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चा, हमने टोटल है ना 3 वीडियो कवर कर दिए है। जैसे कि याद होगा, 3 वीडियो में पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। पार्ट 1 में हमने ये देखा था कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट वाले सम, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फिफ्थ रूट वाले सम। हाँ बच्चा, बरोबर सोचा। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या सीखा हमने? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। वहां पर है ना टोटल हमने 4 सम कवर किए। तो बच्चा, सब कुछ हमने डिटेल में कवर किया है। और क्वेश्चन नंबर 3 मींस व्हाट, पार्ट 3, इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने ये देखा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ इनवर्स वाला फंक्शन। इनवर्स वाला फंक्शन मतलब टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स। हाँ हाँ, ग्रेट, बहुत सही। ये हमने 3 वीडियो कवर कर दिया है, तो ये अच्छे से रिविजन हो गया रहेगा। ओके, अब यहाँ पर है ना हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को डील कर रहे हैं। नाम के लिए तो मैंने सेम क्वेश्चन लिखा, फाइंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, लेकिन तुम लोग को समझना चाहिए पार्ट 4 है। तो बच्चा सेम है, लेकिन है ना ये वीडियो कवर करने से पहले मुझे ना 4-5 मिनट तुम लोग का एक इम्पोर्टेंट टाइम चाहिए, ताकि मैं छोटा सा रिकैप करा सकूं। देख बच्चा, तेरे को है ना कुछ भी हो लाइफ टाइम कुछ ना कुछ वैल्यूज याद करना पड़ेगा, बहुत काम की जरूरत होती है। जैसे कि देखो, हम लोग के पास एक्सपीरियंस है। मैं जैसे एक ऑफलाइन क्लास में बोलता हूँ कि पाई का वैल्यू ना हर एक बच्चे को, अच्छा ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पाई का वैल्यू है ना हर एक को पता होना चाहिए। हर एक बच्चे को क्या था, 3.142। समटाइम वो है ना वो लोग बुक में देने ही देता है, क्वेश्चंस में देते नहीं है, तो अपने को याद होना चाहिए पाई का वैल्यू। वैसे √3 का वैल्यू, ये तो लास्ट लेक्चर का एक्सपीरियंस बता रहे हो सर आप। हाँ, √3 का वैल्यू याद करो, 1.732 ऐसा कुछ तो था। वैसे ही ना एक और छोटा डेटा याद करके रखने का, मैं जो बात कर रहा हूँ ना ध्यान से सुनने का, √2 square root of 2 यहाँ पर क्या होता मालूम, 1.414, ये भी याद रखने का। तो हम लोग के पास है ना इसका भी एक्सपीरियंस है, लाइफ टाइम अपने को याद रखना है। वैसे जिस तरह पाई का वैल्यू होता है ना, वैसे एक पिक्चर में एक नया आता है जिसको एक्सपोनेंशियल या फिर ई बोलते हैं हम लोग। क्या होता है ई का वैल्यू मालूम है? ई का वैल्यू 2.7183, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा यहाँ पर सुनना चाहिए, इसके ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 है, ये चीज़ याद रहेगा सबको। ये ना वैल्यू हमेशा याद होना चाहिए, ये वाला वैल्यू, ये हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। हर एक बच्चे को ये 4 वैल्यू सबको ही पता होना चाहिए। और हम लोग को मालूम है कि हमने 3 पार्ट कवर कर दिया, तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन चालू होगा। एक्सपोनेंशियल क्या होता है मालूम है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, देखो अगर किसी बच्चे को नहीं मालूम है ना तो ध्यान से सुनने का, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल क्या होता है ये चीज़ देखने का। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये सब रेड लाइन के ऊपर लिखने का, जहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 4 है ना उसके रेड लाइन के ऊपर। मेरे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट को मैं हमेशा बोलता हूँ, जब भी अगर कुछ बेसिक्स दे रहा हूँ तो एक काम करने का, रेड लाइन के ऊपर जहाँ से क्वेश्चन लिखते हो ना, जस्ट उसके ऊपर कुछ जगह छोटा रहता ना वहाँ पर, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है मालूम है? यहाँ पर कुछ नंबर रहेगा और इसके ऊपर है ना कुछ x वाला टर्म रहेगा, जैसे कि 3 रेज टू x, 5 रेज टू x, 7 रेज टू x, 7 रेज टू x, यस वी कैन से e रेज टू x, क्योंकि e भी एक नंबर ही आ रहा है, e भी एक नंबर ही होता है ना, क्या होता है 2.71। तो इसी को अक्सर जब मैं एक्सपोनेंशियल बोलता हूँ ना, बच्चे लोग का यही दिमाग में जाता है, जबकि ये भी चलता है। ये क्लियर रहेगा? ओके, याद रखना हम लोग को है ना 2 डेरिवेटिव का फॉर्मूला पक्का पता होना चाहिए। a रेज टू x, a मतलब क्या होता मालूम है? a मतलब 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कुछ भी। तो इसका एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव a रेज टू x log a होता है। क्या होता है? log a। एग्जांपल के तौर पे बात करता हूँ, अगर मैंने बोला डेरिवेटिव ऑफ 3 रेज टू x, तो बोलो क्या आएगा? हाँ बोलने का, 3 रेज टू x पहले पूरा लिखने का, और क्या लिखने का? log ये जो a के जगह पे उसको लिखने का, याद क्लियर रहेगा? ये पढ़ना है ना, हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। हर एक बच्चा यहाँ पर ये फॉर्मूला पता होना चाहिए यहाँ पर। अच्छा एक है ना, और एक चीज़ आता है, डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x। मैंने किसी बच्चे को बोला e रेज टू x का डेरिवेटिव बताओ, वो बहुत ही प्यारा सा बताता है e रेज टू x। देखो एक्चुअल में कंसेप्ट क्या होता है, log ही जो रहेगा a रेज टू x लिखने का, log के आगे a लिखने का। 3 रेज टू x बोला तो 3 रेज टू x log 3। अच्छा e रेज टू x बोला तो e रेज टू x log e। लेकिन बच्चा मैथ्स में ना log e का वैल्यू 1 होता है, log e का वैल्यू 1 होता है, जिसकी वजह से ना हम लोग सिर्फ इतना लिखते हैं, याद रखो, ये याद रखना है। पक्का क्लियर रहेगा सबको? हर एक बच्चे को क्लियर रहेगा बच्चा ये चीज़? इतना बेसिक रिक्वायरमेंट है। हम लोग का 4 स्टेप हर एक को याद होना चाहिए। सबसे पहले आइडेंटिफाई द फंक्शन, नाउ सेकेंड वन इज वॉट उसका डेरिवेटिव, थर्ड वन इज वॉट x का ब्रेकअप, a प्लस h
ए प्लस एच में कन्वर्ट करते थे ना, फोर्थ वन इज वॉट हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू का फॉर्मूला यूज करते थे। तो बच्चे इतना ना एडजस्ट करो, रेड लाइन के ऊपर एडजस्ट करो, रिक्वेस्ट करो, लिखना जरूरी है, प्लीज कॉपी कर लो, फिर आगे बात करते हैं। चलो गाइस अब यहाँ पर चालू करते हैं ये सम देखने के लिए। लिखा है फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ ई रेस टू 0.995। देखो ई रेस टू नाम से मालूम पड़ा ये एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन है का, ई रेस टू एक्स वाला। अच्छा एक अक्सर एक बच्चे ने मुझसे पूछा, ऑफलाइन क्लास में मैं पढ़ा रहा था, सर मेरे को है ना एक छोटा सा कन्फ्यूजन है। मैंने बोला क्या? बोले सर मुझे समझ में नहीं आता एक्स किसको लेना है। तो मैंने उसको सिंपल आंसर दिया, देख बच्चा देख कभी भी तेरे को अप्रोक्सीमेट वैल्यू में स्क्वायर रूट दिखेगा ना, स्क्वायर रूट दिखेगा तो अंदर वाले को एक्स लेने का, क्यूब रूट दिखेगा, तो अंदर वाले को एक्स लेने का, ये जो रहेगा ना यही एक्स। जैसे यहाँ पर देखो अभी मैं बताता हूँ, अभी बताऊँगा थोड़ा रुको, साइन दिखेगा, साइन के अंदर जो रहेगा ना उसको एक्स मानने का, कॉस के अंदर जो रहेगा ना अभी धीरे धीरे समझेगा रुको एक्स लेने का, अगर टेन इनवर्स है ना तो अंदर कुछ भी रहेगा ना उसको एक्स मानने का, वैसी ई दिखेगा ना इसके ऊपर जो रहेगा ना इसको एक्स मानने का, वैसी थ्री रहेगा ना इसके ऊपर जो रहेगा ना उसको एक्स मानने का, आगे चल के लॉग वाला सम, लॉग दिखेगा ना इसके अंदर जो रहेगा ना उसको एक्स मानने का, ये सब ऐसा पैटर्न होता है। मतलब देखो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन एक्स कॉस एक्स टेन इनवर्स ऑफ एक्स, समझ पा रहे हो, ई रेस टू एक्स थ्री रेस टू एक्स, समझ पा रहे हो, इसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, नीचे एक्स नहीं, यही सब एक्स लेने का। अब इतना आइडिया लगने के बाद मुझे बताओ यहाँ पर ही हटाओ, ये कौन सा फंक्शन दिख रहा है, ये कौन सा, ई रेस टू एक्स, डेफिनेटली बच्चा बहुत सही सोच रहा है तू, बहुत सही खुश कर दिया। तो सबसे पहले वही स्टेप होता है ना, ये चार स्टेप में याद रखने का, सबसे पहले क्या लिखते हैं, फंक्शन को आइडेंटिफाई करना। मुझे लगता है हर एक बच्चे ने आइडेंटिफाई कर दिया, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, यस बच्चा ग्रेट, बहुत सही, ई रेस टू व्हाट एक्स, ई रेस टू एक्स, बरोबर है। अब यहाँ पर क्या, स्टेप नंबर टू में इसका डेरिवेटिव करने का, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, ई रेस टू व्हाट, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स ही होता है, बैकग्राउंड में समझना चाहिए, ई रेस टू एक्स लॉग ई, लॉग ई का वैल्यू वन हो गया, लेट इट बी। अब तुम लोग बताओ सबसे पहले ये समझा, इसका एक्स ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स है, कुछ बच्चे बोलेंगे सर कॉपी पेस्ट मारा क्या, हाँ यही बोल सकते हैं, लेकिन बच्चा बैकग्राउंड स्टोरी में क्या हो रहा है मालूम है, मैंने डेरिवेटिव किया, लिखने की जरूरत नहीं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट एक्स, नहीं ये चैप्टर नंबर टू एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, नो नीड यार बच्चा, नो नीड। तो अभी स्टेप नंबर वन डन, स्टेप नंबर टू डन, स्टेप नंबर थ्री एक्स का ब्रेकअप, हाँ चलो बोलने का, लेट एक्स इज इक्वल टू व्हाट, लेट एक्स इज इक्वल टू व्हाट, एक्स मतलब क्या आएगा, ई के ऊपर वाला, देखो ध्यान से ई के ऊपर वाला ये दिख रहा है, यस तो एक्स इज इक्वल टू क्या लिखो 0.995। हम लोग का अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या कहता है मालूम है, इसके आजू बाजू एक परफेक्ट नंबर बता जो तेरे को आता है, जैसे कि वन, तो इसको ना वन के भाव में तोड़ो, क्यों वन के भाव में तोड़ो अभी पता चल जाएगा, देखना यार तुम लोग को सिखा 2.01 2 प्लस अच्छा 0. देखो अगर तुम लोग के लाइफ में 0.998 है, मैंने तुम लोग को सिखाया था कुछ भी करने का लेकिन मीनिंग चेंज नहीं करने का, तो वी कैन राइट व्हाट वन माइनस, कितने की कमी लग रही है, दो की कमी लग रही है ना, दो याद रखना टू लिखना है, लेकिन देखो पॉइंट के बाद कितने नंबर है, एक दो तीन, तो पॉइंट के बाद तीन नंबर है, एक दो और ये तीसरे पे क्या लिखेगा जो कमी रहेगा वो, एक काम का डाउट है ना यहाँ पर आने का, यहाँ पर बताओ 97, चलो वन माइनस क्या आएगा, चल सोच कितने की कमी है, 97 है, तीन की कमी, अरे 100 का आंकड़ा होना चाहिए, इन शॉर्ट 100 होना चाहिए बस, लास्ट में क्या मिलाएगा तब जाके 97, यही अप्रोक्सीमेट में यही होता है, 97 ना तीन की कमी है, यस चलो तीन लिखना है, तो पॉइंट के बाद कितने नंबर दो, 0.0 और एक नंबर चाहिए, तो यहाँ पर तीन लिखने का, देखो सॉल्व करो, कभी भी ऐसा होता ना याद रखने का, चलो एक काम करो 0.995 लिखता हूँ, चलो अब इसका बताओ, सर वन माइनस पाँच की कमी है, पाँच की कमी, हाँ बहुत सही सोच रहा है, लेकिन देखो पाँच, एक दो तीन, तीन नंबर होना चाहिए पॉइंट के बाद, तीन नंबर, एक दो तीन में जीरो मत लिख, तीन ही नंबर लिखना चाहिए, सिर्फ तीन नंबर, लास्ट में वो लिखने का जो कमी है, लास्ट में क्या पाँच की कमी है ना, पाँच लिखने का, तो यहाँ पर वही लिखते हैं, लेट यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसका ब्रेकअप करा दो, वन माइनस 0.005, पहले वाले को ए नाम देते और दूसरे वाले को एच नाम देते, प्लीज़ डोंट से कि ए का वैल्यू वन, बहुत सही, एच का वैल्यू ये नहीं, एच का वैल्यू ये पूरा है, याद करो ये प्लस एच है, प्लस एच की जगह पे क्या आ रहा है, माइनस 0.005, एक्सपीरियंस बोलना चाहिए, हियर ए का वैल्यू, हियर ए इज वॉट, ए इज इक्वल टू वन, बहुत सही, और h का वैल्यू क्या आता है, माइनस 0.005, मैंने बैकग्राउंड स्टोरी बता दिया ऐसा क्यों होता है, समझ पा रहे हो ना इसको, ये देखो ना वन माइनस
0.005 को वी कैन राइट 1+ ऐसा भी लिख सकते हैं ना, अरे है ना, तो आप कंपेयर कर सकते हो a प्लस h, तो यहाँ पर a की जगह पे ये, h की जगह पे ये, समझा। तो हम लोग ये सब मगजमारी नहीं करते, हम लोग को मालूम है, आधे लोग को तो ये कंसेप्ट ही नहीं पता होता है, आधे लोग को तो ये कंसेप्ट नहीं पता था, सिर्फ उनको ये पता होता कि पहले वाले को ए बोल, दूसरे वाले को एच बोल। गलत कंसेप्ट में ये आता है कि बीच में प्लस है ना, प्लस माइनस, मतलब ये माइनस 0.005 को उससे ढकेल दिया, भाड़ में जा ए एच खत्म करो। नाउ स्टेप नंबर 1 डन, स्टेप नंबर 2 डन, स्टेप नंबर 3 डन। सर सर मुझे मालूम है आप क्या करने वाले हो, हाँ बता। आप बोलोगे स्टेप नंबर 4, ग्रेट, बाय अप्रोक्सीमेट वैल्यू, बोलने का क्या आएगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू या बाय अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला जो चाहिए वो बोलने का, क्या आएगा बोलने का, एफ ऑफ ए प्लस एच, हाँ बच्चा अप्रोक्सीमेटली एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ऑफ ए। अरे सर ये समझ गया, ये मालूम है आप क्या बोलने वाले हो, अरे सही सही सोच रहा है। एफ ऑफ ए मतलब क्या होता है, एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे ए लिखना है, एफ डैश ऑफ ए में एफ डैश ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे ए लिखना है, बहुत सही। चलो पहले मैं इसका जुगाड़ करता हूँ बोलने का, बताने का, पुट, उसको देखो जरा, उसको देखो, वो लगने वाला, इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ, प्लीज़ इसके बाद ये नहीं लिखना एग्जाम में, इसके बाद ये लिखना, इसके बाद ये लिखना, समझ पा रहे हो, तुम लोग के माइंड में सिर्फ ये होना चाहिए एफ ऑफ ए और एफ डैश ऑफ ए चाहिए। तो क्या होता है एफ ऑफ ए, पुट एक्स इज इक्वल टू ए इन एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स देखो, एफ ऑफ एक्स यही है ना, इसके में एक्स की जगह पे क्या लिखोगे, एक्स की जगह पे ए लिखने का, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ई रेस टू वॉट ए, ए का वैल्यू बोलने का, ई रेस टू वॉट ए का वैल्यू क्या है 1, और एनीथिंग रेस टू 1 इज वॉट ई, मतलब 2 रेस टू 1 2, 5 रेस टू 1 5, 6 रेस टू 1 6, ई रेस टू 1 ई, और ई का वैल्यू तो अपन सीख गया था ना, अभी बोला था 2.7183, अगर चाहिए तो लिख के रखने का, ई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.7183 होता है, बच्चा हर एक बच्चा ये लिख के रखेगा एफ ऑफ ए। मैं चाहता तो एक ही जगह पे इधर भी लिखता, हम लोग ने बोल दिया था, डिसीजन नहीं लिया अप्रोक्सीमेट में, हम लोग लेफ्ट साइड कभी नहीं रखेंगे, डायरेक्टली वैल्यू पुट अप करेंगे। अच्छा ये होने के बाद यहाँ तक तो क्लियर हो गया, हर एक बच्चे को मालूम पड़ गया कि क्या किया, चाहिए तो ई को एज इट इज लिखते हैं, ई का वैल्यू लास्ट में लिखना चाहिए, लेकिन लेट इट बी, अपनी मर्जी, अगर नहीं चाहता तो एफ ऑफ ए की जगह पे ई लिख, ई की जगह पे वापस तो लिखना पड़ेगा, अब भी लिखिए बाद में लिख, तेरी मर्जी है, तेरी मर्जी, कोई रोक टोक नहीं, तेरे साथ आशीष सर नहीं बैठने वाले पेपर दिखने में, एग्जाम के टाइम माइंडसेट थोड़ा अलग ही रहता है, तो पूरा प्रिपेयर करके जाओ क्या हो रहा क्या नहीं। अब ये होने के बाद अब क्या होएगा, बोलेगा पुट पुट एक्स इज इक्वल टू ए इन एफ एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स, और इत्तेफाक की बात है एफ डैश ऑफ एक्स भी वही है, एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू ई रेस टू वॉट ए, ई रेस टू ए मतलब ए का वैल्यू 1, ई रेस टू 1 इज वॉट ई, आंसर क्या है 2.7183, समझ पा रहे हो, एफ डैश ऑफ ए ये मिल गया, एफ डैश ऑफ ए। चलो इसको भी हाईलाइट करके रखने का, बोलो ये क्लियर हो गया, यहाँ तक किसको दिक्कत है अंदर, नहीं। नाउ वंस यू डन, इधर लिख सकते हो, ऐसा रीजन दे सकते हो, अब वैल्यू अपडेट कर देते, इजी। चलो एफ ऑफ ए बताओ, एफ ऑफ ए 2.7183 प्लस का प्लस, एच का वैल्यू बोलने का माइनस, माइनस 0.005 इंटू एफ डैश ऑफ ए, एफ डैश ऑफ ए का वैल्यू भी क्या है 2.7183, बोलो याद, क्लियर हो गया बच्चा। अब क्या करना, बस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर मल्टीप्लाई करो 2.7183 प्लस इंटू माइनस, माइनस 0.005 इंटू 2.7183। मैंने बताया इसमें ना दो तरीके से मल्टीप्लाई लोग करते हैं, एक फिजिक्स वाले टीचर और एक मैथ्स वाले टीचर। चलो हम लोग मैथ्स वाले टीचर मतलब एक नॉर्मल स्टूडेंट, फिजिक्स वाले टीचर है ना, अपन में 100,000 ये सब लिख के करते हैं, लेट इट बी, हम लोग नॉर्मल तरीके से ही करते हैं मल्टीप्लाई। मैंने बोलो नॉर्मल, जैसे प्रीवियस में मैंने सब बताया फिजिक्स वाले टीचर कैसा मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए 0.005। चलो मल्टीप्लाई करेंगे, रेडी एवरीवन, प्लीज़ मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ चलो स्टार्ट करो, यहाँ पर 5 3 50। पॉइंट के बाद देखने का कितने, 4 और यहाँ पर 3, 7 नंबर, देखो ना 1 2 3 4 5 6 7 नंबर, यहाँ पे 7 नंबर छोड़ने का, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब यहाँ पर क्या आएगा 0.0 0.01359। चलो ठीक है लिखते यार, देखते हैं 2.7183 माइनस 0.0135915, ऐसा कुछ तो आया अपना आंसर। चलो 59 देखते हैं, हटाओ इसको,
ना अब बोलने का इसके बाद क्या किया जाएगा, 0.1 हाँ चलो माइनस कर दे 2.7183 या फिर पॉइंट 0.0013 5915 ओके इधर कुछ नहीं मतलब 0 0 0 0 में तो 5 नहीं जाएगा, भीख मांगेगा खुद नंगा है, यहाँ पर ये 2 ये 10 हो गया था लेकिन ना हो गया 10 था ना हो गया, अब ये क्या होगा 10 5 8 0 दो में से नहीं तो ये 7 ये 12 12 में से 5 जाएगा 7 बचेगा 4 0 7 तो अप्रोक्सीमेटली 2.7047085 एक बार पीछे आंसर मैच करता हूँ 47 हाँ बस चलेगा, इसको हटा दो यही आंसर है। तुम लोग के बुक में ना इसका अधूरा ही दिया रहता, तुम लोग की मर्जी, मैंने बोल दिया था। अभी यहाँ तक होने के बाद एक कमज़ोर स्टूडेंट क्या लिखेगा इसके आगे डायरेक्टली 0.995 ये कमज़ोर स्टूडेंट लोग लिखते हैं, लेकिन लेटेड भी मार्क्स तो पूरे मिलेगा, जो अगर सम 2 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स मिलेगा, 3 मार्क्स से 3 मिलेगा, पूरा सिस्टमेटिक लिखा है, हर एक का रीज़न देने की भी कोशिश की, यहाँ पर भी रीज़न दे दो आप लोग चाहिए तो। नाउ इसका स्क्रीनशॉट लो जरा, डन ओके। नाउ अब मैं यहाँ पर है ना कंसेप्ट बोलता हूँ, इसके लेफ्ट साइड में ना लोग अक्सर कन्फ्यूज होते हैं, शायद मैं 3 लेक्चर से वही बोलते आ रहा हूँ, क्या करने का मालूम है, एफ ऑफ ए प्लस एच क्या है, ए प्लस एच मतलब ये होता है, ये मतलब 0.0995 ना बच्चा, एफ ऑफ टू का मतलब एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे 2 लिखने का, मतलब एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे 2 लिखने का। अच्छा यहाँ पर 3 लिखा, मतलब एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे 3 लिखने का, अगर मैंने यहाँ पर 0.995 लिखा इट मीन्स वॉट, एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे 0.995 लिखने का, एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे ई रेश्यू वॉट 0.995। देखो यहाँ पर ये ऐसा फंडा होता है, ये अक्सर है ना टीचर बच्चे लोग ध्यान नहीं देते ये सब चीज़ों को, लेकिन अपन स्टूडेंट फ्रेंड्स अकेडमी के हैं, अपने को समझना चाहिए यहाँ पर क्या हो गया, बराबर बच्चा ये यहाँ पर किसी को दिक्कत, तो ये सम हो गया किसी को दिक्कत यहाँ पर, देख बच्चा क्या किया, अगर तुम लोगों को ये कन्फ्यूज़ करता तो इसको इग्नोर करने का, मैंने बोल दिया इसको इग्नोर करने का, ये लिखने का डायरेक्टली इधर वही लिखने का जो क्वेश्चन में पूछा है, डन बच्चा क्या ही किया, इजी तो था, चलो कॉपी कर लो। ओके गाइस सेकेंड वाला सम सेम दिया है, ई रेस टू 2.1, देखो नाम से मालूम पड़ रहा है ई रेस टू है ना, मतलब ऊपर एक्स आने वाला है, नीचे कुछ भी नंबर है, समझ पा रहे हो ये चीज, तो यहाँ पर कल के दिन ऐसा दे देगा 3:2.1, तब ये कौन सा फॉर्मूला बनेगा मालूम है, ई रेस टू एक्स नहीं 3:x, बोलो ये क्लियर रहेगा, मतलब ये भी एक्सपोनेंशियली है, याद करो पावर में नंबर के ऊपर। तो आगे चल के तीसरे वाले सब में देखिएगा, अभी डिस्कशन करना जरूरी था, सिर्फ तुम लोग कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए, हमेशा ऊपर ही एक्स आएगा। तो देखो यहाँ पर इस वक्त ना कुछ तो वैल्यू दिया, एक बच्चे ने मुझसे पूछा सर ठीक है आप ये सम को सॉल्व करो, फिर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, बच्चा डाउट दिमाग में रखो रहो क्या पूछने वाला है वो बच्चा, हाँ ठीक है। देखो एक बच्चे ने मुझसे जो डाउट पूछा मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल के लिए सिखा देता हूँ उसको, चलो सेम ये फाइंड आउट करना है ना, तो यहाँ पर ये वाला सम है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स सेम है, एक्स की जगह पे क्या 2.1 बराबर है, तो यहाँ पर क्या 2, देखो 2.1 के आजू बाजू कौन सा है 2 ना, तो 2 प्लस अभी प्लस करना पड़ेगा, पॉइंट के बाद एक ही नंबर है 0.1, ये ए प्लस एच, ए का वैल्यू क्या 2 और एच का वैल्यू क्या 0.1, ये भी हो गया, पुट एक्स इज इक्वल टू ए, चलो यहाँ पर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू वॉट ई रेस टू वॉट ए, अब ई का वैल्यू, ए का वैल्यू 1 नहीं, प्रीवियस में कैसे ई रेस टू 1 था, वो तो मुझबानी याद था, मतलब अपने को ओरली याद था, ए का वैल्यू क्या हो गया, ए का वैल्यू 2, अच्छा 2 का वैल्यू सर मुझे नहीं आता, अरे बच्चा आना भी नहीं चाहिए, क्वेश्चन में दिया रहता है 7.389, तो ये आ गया एफ ऑफ ए का वैल्यू, ये एफ ऑफ ए का वैल्यू ठीक है, ये एफ ऑफ ए का वैल्यू ठीक है सर, ये भी मिल गया, इसको हाईलाइट कर दो। अब क्या आएगा यहाँ पर भी देखने का, यहाँ पर बोलो एफ एक्स इज इक्वल टू ए इन एफ डैश ऑफ एक्स, यहाँ पर भी सेम ही आएगा ना, एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू ई रेस टू वॉट ए, ई रेस टू ए का वैल्यू 2, और इसका आंसर ये मैं कॉपी मार रहा हूँ 7.389, और ये क्या है एफ डैश ऑफ ए, बराबर है एफ डैश ऑफ ए, चलो ठीक है इसको भी हाईलाइट करके रखता हूँ, चाहे तो बाद में वैल्यू डालता हूँ वहाँ पर, लेकिन ठीक है यहाँ पर जो दिख रहा ना उसको चिपका दिया, तुम्हारी मर्जी है, ये कोई मैटर नहीं करता, अपने को जैसा लगता है अभी पुटअप करना अभी कर या तो बाद में, चलो वहाँ पर मल्टीप्लाई तो करना ही है, चलो यहाँ पर क्या आएगा बोलने का, अप्रोक्सीमेटली एफ ऑफ ए का वैल्यू 7.389,
प्लस एच का वैल्यू क्या है 0.1, ठीक है 0.1 है 0.1, एफ डैश ऑफ ए 7.389 बराबर। यहाँ पर यहाँ तक तो क्लियर हो गया अपने को। अब क्या आएगा देखो बच्चा, मैं तुम लोगों को फिजिक्स वाला भी बता चुका हूँ, फिजिक्स वाले टीचर किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। उन लोग 0.1 को 1/10 लिखेंगे और फिर पॉइंट को इधर घसका देंगे। अरे ये भी सही था ना सर, ये भी तो सही है ना, देखो ना 7.389 इंटू 0.1, 0.1 मतलब क्या होता है 1/10, और नीचे 10 आना मतलब पॉइंट को इधर घसीटना, मतलब ये पॉइंट इधर जाएगा। इन शॉर्ट 0.7389, देख बच्चा डायरेक्टली हो जाता है ये सब चीज़। ये क्लियर हुआ नहीं हुआ चल कोई तकलीफ नहीं, मेरी बातों को ध्यान से सुनने का। देख बच्चा प्यार मोहब्बत से सुन, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान हद से ज़्यादा। देख ये क्लियर हुआ क्या, पहले सोच, ये क्लियर हुआ नहीं होता तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना मेरी जान, ऐसा करना 0.1 9837, फिर ऐसा खाचा, फिर 1 2 3 4 0, फिर इधर पॉइंट नहीं है ना, हाँ 0 0 0 0 9 8 3 7 0 पॉइंट के बाद देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 मतलब यहाँ पर इधर आएगा 0. ओके अब प्लस करना है इसको 7.389 प्लस 0.7389 9 8 8 16 17 यहाँ पर 8 4 12 यहाँ पर 10 11 तो यहाँ पर क्या आएगा 8.1279। एक बार पीछे आंसर चेक करूँगा, टेक्स्ट बुक का पीछे ना चेक करते जाने का बच्चा, कभी भी गलती होएगा तुम लोगों को मालूम है। अगर गलती हुआ तो मैं क्या करता हूँ, अपना टैब निकालता हूँ और वहाँ पर कैलकुलेटर से भी चेक करता हूँ। यहाँ पर ये तो पीछे आंसर चेक करने के लिए, ताकि तुम लोग ना नाम ना रखें अरे सर गलत आ रहा पीछे अलग है, नहीं बच्चे यही आंसर है। और क्या अभी क्या एफ ऑफ ए प्लस एच की जगह पे क्या लिखोगे, डायरेक्टली क्वेश्चन लिखने का e^2.1 बराबर है ना, ये आ गया, डन बच्चा डन। देखो ये हो गया ना सर आपने बोला था बच्चे का डाउट क्या था, स्टूडेंट आज व्हाट इफ e^2 इज नॉट गिवन, ऐसा क्या होगा अगर e^2 नहीं दिया था 7.389, तो क्या मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता ना, e^2 को पैदा कर, हाँ पैदा कर, ऐसा कैसा पैदा करे तेरे को मालूम है ना। तो आंसर वी नो डैट e^1 का वैल्यू क्या होता है 2.7183 बराबर है ना, यही था ना, अरे आया ना। तो अगर कभी किसी ने ई का स्क्वायर बोल दिया, ई का स्क्वायर, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ई लिखेंगे और द होल स्क्वायर लिखेंगे। द होल स्क्वायर मतलब 2.7183 और इसका स्क्वायर करने का, स्क्वायर करने आता है सबको, क्या आएगा 2.7183 इंटू 2.7183, तो तुम लोग को जो आंसर मिलेगा ना वो कुछ और नहीं यही रहेगा आसपास 7.389 अप्रॉक्सीमेटली e^2 का वैल्यू। अरे वाह, हाँ ये उसका क्वेश्चन था तो मैंने उसका आंसर देना। अगर e^3 चाहिए तो e^3 सर e लिखने का और उसका क्यूब करने का, मतलब 2.7183 का क्यूब करोगे, क्यूब करना तो आसान होता है 2.7183 इंटू 2.7183। ये अपना एक्स्ट्रा डिस्कशन चालू था, समझ पा रहे हो, या ऐसा ऑफलाइन में जैसा टीच होता है बच्चे लोग का जैसे जैसे डाउट आता है वैसा मैं समझता हूँ, समझ पा रहे हो ये चीज़। ये देखो यहाँ पर ये क्लियर होना चाहिए, तो जब सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली यही मिलेगा जो है, ठीक है ना, मजा आ गया ये चीज़ तो पता चल गया, तो ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है। चलो नेक्स्ट वाला अभी देखते फिर खत्म करते हैं। सो गाइस लास्ट वाला सम और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखो मजा आने वाला है तुम लोगों को, एक चीज़ याद रखना। सबसे पहले ना यहाँ पर भी देखो 3:2 क्या पूछा है, 3:2.01। अभी मैं किसी बच्चे से बोलूंगा ना 3 का स्क्वायर बताओ तो पट करके आंसर देगा 3 का स्क्वायर मतलब 3 × 3 9, समझ पा रहे हो, लेकिन 3:2.01। अब शायद एक नॉर्मल टीचर को भी, एक IITian को भी याद नहीं रहेगा ये कैसे होगा, तो उसके लिए वो यही मेथड यूज़ करेंगे। तुम लोगों को पता नहीं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चालू है, मतलब डेरिवेटिव को किस तरह यूज़ कर सकते हो, कभी सोचा था, सोचो ना 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब दे दूंगा 3 × 3 × 3 27 होता है, लेकिन व्हाट अबाउट अगर मैंने 3:2.15 सब कुछ भी दे दिया, तब नहीं आएगा ना अपने को, बच्चा आएगा क्या ऐसा, नहीं आएगा, तब उस टाइम पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव काम आएगा। समझो चैप्टर सिर्फ मार्क्स लाने के लिए नहीं दिया है, चैप्टर इसलिए दिया ताकि तुम लोग बच्चे लोग कुछ सीखो, समझ पा रहे हो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल किस तरह यूज होता है एप्लीकेशन डेरिवेटिव का, उसका एप्लीकेशन किस तरह है। देखो यहाँ पर ये छोटा मोटा कैलकुलेशन के लिए ये याद आना चाहिए, मेन टारगेट जो है ना उसको सीखो, समझ पा रहे हो, मार्क्स लाने के लिए मत पढ़ो फिलहाल के लिए, टारगेट सीखने की कोशिश करो ना। 3:2 देखो 3:2 अगेन 3:2 आ गया,
तो यहाँ पर तुम लोग को समझना चाहिए ये 3:x से बच्चे लोग है ना ए रेस टू एक्स बोलने वाले थे। देख बच्चा ऐसा नहीं होता है, ए रेस टू एक्स नहीं, नीचे नंबर है ऊपर वेरिएबल है, ऊपर वेरिएबल है, मैंने तुमको सिखाया 3:2 आएगा ना तो ऊपर वाले को एक्स लेने का, इसी को एक्सपोनेंशियल बोलने का, समझ पा रहे हो। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वॉट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3:2x। हाँ एक चीज चलो तुम लोग के लिए मैं लिख देता हूँ, डोंट थिंक, यहाँ पर अलर्ट हो जाओ, अलर्ट, डोंट थिंक, ऐसा मत सोचना, डोंट थिंक ए रेस टू एक्स, तुम लोग एक्स को भी मानोगे ए को भी मानोगे ऐसा नहीं, ए फिक्स है, नंबर दिया है यहाँ पर 3, समझ पा रहे हो बच्चा। यहाँ पर ये चीज़ क्लियर रखना, ए रेस, डोंट थिंक ए रेस टू एक्स, अरे अभी सोचोगे तो बाद में तकलीफ होगा, ये लपड़ा बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ेगा, मैटर हो जाएगा, खून खराब हो जाएगा अगर ये सोचेगा तो, समझ पा रहे हो, कन्फ्यूज हो जाएगा। तो यहाँ पर डोंट थिंक मैंने लिख दिया, अब क्या होगा, डेरिवेटिव याद आ रहा है, अभी तो सीखा था एफ डैश ऑफ एक्स, शायद यही वाला सब लिखा था, ए रेस टू एक्स का ए रेस टू एक्स, ये ई रेस टू एक्स नहीं, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स होता है, ए रेस टू एक्स का मतलब 3:2x का 3:2x log 3, तो 3:2x log 3, जिसकी वजह से देखो अगर तुम लोग ध्यान दोगे ना क्वेश्चन में log 3 का वैल्यू दिया है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन, ये चीज़ क्लियर रखने का, ठीक है। यहाँ पर अब क्या करोगे, लेट x इज इक्वल टू वॉट, अब बोलने का, लेट x इज इक्वल टू वॉट, x मतलब 3 के ऊपर 2.01, तो इसका ब्रेकअप कराने का 2+0.01, ये क्या लिखोगे, a प्लस एच, ए प्लस एच, समझ पा रहे हो। यहाँ पर देखो ना पॉइंट के बाद दो नंबर है, पॉइंट के बाद दो नंबर है, a का वैल्यू क्या आएगा 2 और h का वैल्यू क्या आएगा 0.01, ये तो क्लियर हो गया। सेम अप्रोच करने का, फटाफट स्पीड बढ़ाने का भी, f ऑफ a इज इक्वल टू वॉट 3:2a, देखो अगर मैंने इधर खुदा ना खास्ता a लिखा रहता तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता, मसला हो जाता भाई, a रेस टू a, समझ पा रहे हो। यहाँ पर a का वैल्यू बोलो, a का वैल्यू बोलो, a का वैल्यू क्या 2, अब 2, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, मतलब एफ ऑफ ए तो मिल गया, एफ ऑफ ए तो मिल गया, बराबर। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू ए इन एफ डैश ऑफ x, यही है ना, एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू 3:2a log 3, बराबर। अब यहाँ पर a का वैल्यू डालो, a का वैल्यू 2 और ये log 3, यहाँ पर 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और log 3, अच्छा log 3 का वैल्यू अभी नहीं तो बाद में तो डालना पड़ेगा, कुछ भी कर तकलीफ दूर कर इसको, चलो एक काम करते इधर ही सॉल्व कर देते, बोलो तुम लोग की मर्जी। देख बच्चा यहाँ पर एज ए स्टूडेंट मैं क्या सोचता, एज ए स्टूडेंट मैं क्या सोचता, एफ ऑफ ए और एफ डैश ऑफ ए चाहिए, या तो मैं इसको उठा दूंगा एच की जगह, देखो एफ डैश ऑफ ए की जगह पे क्या लिखूंगा 9 log 3, log 3 का वैल्यू वहाँ तो पुट अप करना पड़ेगा, या तो यहाँ पुट अप करना, एग्जाम में जो तेरे समझ में आया वो करना। फिलहाल के लिए मुझे लगता है हर एक बच्चे यही सोच रहा है कि सर डाल दो सर log 3 का वैल्यू, तकलीफ दूर करो, नहीं तो रहने दो हटाऊँ। सर एक बात बताओ, क्या आपने क्यों नहीं रखा, अरे बच्चा नीचे जा रहा था ना, मैं नहीं चाहता कि नीचे जाए, इसलिए अपना अपना सोचे भाई, तेरे को लगता है log 3 का वैल्यू डालने के लिए तो ये वैल्यू फेंकने का, अपनी अपनी मर्जी, मैंने बोल दिया कोई रोक टोक नहीं, कोई रोका नहीं है, समझ पा रहे हो। देखो सीखा सीखना है अच्छे से सीखो, ये नहीं रट्टा मारो इसके बाद यही करना इसके बाद, नहीं नहीं तेरा जब दिमाग लगे तब वो कर, देखो आंसर आना चाहिए बस, तेरा दिमाग जिधर लगा उधर ही आंसर आ जाए वही बेस्ट है, सबसे बेस्ट मेथड वही होता है जो तू सोचे सही तरीके से। एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए देखो यहाँ पर 9 प्लस एच का वैल्यू क्या है 0.01, ये एच का वैल्यू लिखा, एफ डैश ऑफ ए इधर लिखता हूँ, एफ डैश ऑफ ए 9 log 3, ठीक है ठीक है, अपनी अपनी सोच है जैसे जैसे चाहिए वैसा करो, ये सब चिपका हुआ है यहाँ पर 9 प्लस, चलो इसको मल्टीप्लाई कर देते 0.09, तकलीफ नहीं होना चाहिए, देखो इसको दोनों को मल्टी, अरे प्लीज डोंट से कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके, ये अबे चिपका है तेरी मर्जी, 2 इधर 3 2s है, प्लीज गलती से ये मत बोलना ये इसके बाद जाएगा ये इसके बाद जाएगा, अरे पगले पाप लगेगा नर्क में जाएगा ऐसा करने का, नहीं ये कब करने का, ये अगर ये ऐसा है ना तो बोलने का ये इसके पास ऐसा रहेगा तो तेरी मर्जी, तू इसके साथ मल्टीप्लाई कर फिर इसके साथ 2 3 6 6 2 12 या 2 2 4 4 3 12, आंसर एक ही आएगा, चिपका तो एक ही के साथ मल्टीप्लाई कर, समझ पा रहे हैं साले पगला गया है क्या यहाँ पर। अच्छा log 3 का वैल्यू डाल देता, चलो इस वक्त देखो यहाँ पर नहीं तो यहाँ पर सॉल्व करना ही था, log 3 का वैल्यू क्या आएगा 1.0986, अच्छा मल्टीप्लाई करने आता है, या तो फिजिक्स लगाओ या तो ये वाला मैथ्स लगाओ, अरे ये वाला मैथ्स भी इजी है, यहाँ पर अपने को ना फिजिक्स आता ना मैथ्स आता ये तो चीज़ मान ही पाते, चलो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना क्या बच्चा हेल्प करने का 9 6 50। ओके बचपन जैसा तभी भी आंसर आएगा, यहाँ पर ये जीरो है, ये जीरो है, पॉइंट के बाद कितने नंबर, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 मतलब पॉइंट इधर, तो यहाँ पर क्या आएगा 9 प्लस
0.098874 प्लस करो, प्लस करेंगे, अच्छा इसके आगे प्लस कर दो, प्लस मतलब 9 पॉइंट, अरे यही आएगा ना 9 प्लस पॉइंट एंड सो ऑन। इतना क्या कॉमन सेंस नहीं लगा सकते क्या रे भाई? कॉमन सेंस तो लगा सकते हो ना, क्या आएगा 9.098874, ये समझा। और एफ ऑफ ए प्लस एच क्या लिखोगे? 3.2.01। देखो एक पते की बात बोलूँ, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 ना, तो 3.2 जो भी रहेगा, ये जो भी रहेगा समझो 01 01, 9 से तो बड़ा रहेगा ना, 9 से कितना बड़ा? 9.09। एक बार पीछे आंसर चेक करो, 09 88 74 बरोबर यही है, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, अगर चाहिए तो और एक, यहाँ तक आंसर हो गया, लेकिन स्टिल अगर तुम लोग को लगता है कुछ और तक, एफ ऑफ ए प्लस एच मतलब ए प्लस एच मतलब 2.01, बस यहाँ पर याद रखने का, ठीक है, ऐसा लिखने का, नहीं लिखा तभी भी चलेगा, ये नहीं लिखा तभी भी चलेगा, मैंने बोल दिया, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा, डन। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, खत्म करते हैं इस टॉपिक को, अच्छा लगा। क्वेश्चन नंबर 5 6 को भी मैं एक एक पार्ट में, टोटल 6 पार्ट में मैं इसको तोड़ दूंगा, और मज़ा आता रहेगा, तो भाई लाइक कर ही देना, समझ पा रहे हो, क्योंकि इसको बनाने के लिए भी बहुत मेहनत लगता है। चलो डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और क्या बोलूँ यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करते नहीं हो, कर मन किया तो कर देना यार, समझ पा रहे, अपने दोस्तों को शेयर तो कर, थोड़ा बूस्ट मुझे भी मिलने दे, अगर मुझे बूस्ट मिला, मुझे मोटिवेशन मिला, तो मैं पूरा, अरे इंजीनियरिंग तक मैथ्स पढ़ाता हूँ, समझ पा रहे हो, तुम लोग का ही फायदा कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय।